बात बताइए, 100 में गाड़ी धुल जाए? 150 में। ओ माय गॉड, गजब बेइज्जती है। गाइस, मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। मुझे गलत करते हैं, मोदी जी को सुन नहीं रहेगी। जॉब निकाले, जॉब निकाले, जल्दी निकालिए मोदी जी जॉब, हम लोग जैसे बेरोजगार को जॉब मिले। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर आज एक नया ब्लॉग और एक नया डे और एक नया चैलेंज के साथ आ चुके। जैसे आप मेरे पीछे ये कार देख रहे हैं, मेरी दीदी का है। तो एक्चुअली क्या है कि आज मुझे एक फिर से चैलेंज मिला है। मैं अपने आप को चैलेंज किया हूँ कि क्या 100 रुपया में ये कार धुल सकती है? इतने महंगाई के समय में क्या 100 रुपया में आज भी ये चार चक्का धुल सकती है? क्योंकि बिकॉज बड़े बड़े सिटी या हमारे मुजफ्फरपुर में आज के टाइम में 100 में कार कोई वॉश नहीं करता। बट मैं ट्राई करूंगा 100 में ये कार वॉश करवाने का। क्या आप लोग इससे एग्री होते हो? और आप लोग किस जगह से देखते हो वीडियो, वो कमेंट करना। और आपके शहर में कितने रुपया में कार वॉश करता है? क्या मैं आज इसमें जीत पाऊंगा या हार पाऊंगा या मुझे और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं। तो अभी लेट्स गो गाइस, चलते हैं और ये कार वॉश करवाते हैं। बहुत गंदी हो चुकी है, देख सकते हो। और जब भी कार परचेज करना तो टाटा का ही करना, बिकॉज टाटा में सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी इतना मस्त होता है ना, क्या मैं बोलूँ। तो मैं टाटा का ही अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, टाटा का ही कार परचेज करना। तो चलो, अभी 100 रुपया मेरे पास है, आ चुका। और 100 रुपया में क्या मैं कार वॉश करवा पाता हूँ कि नहीं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन और टाइम के साथ। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक वीडियो देख के जाना। अभी मैं कार के अंदर आ चुका और ये इंटीरियर देख सकते हो कितना झकास लगता है। और ये देखो आप, मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ गाइस। तो अभी इसको लेके चलते, काफी गंदी है तो इसको साफ सुथरा करवाते और इसको गाड़ी ऑन करते और चौक पे चलते। सो अभी चौक पे आ चुके हैं और अपना कार लगा दिए नंबर में, आप देख सकते हो अभी चौक का नजारा। यहाँ पे ये दो तीन गाड़ी, एक वहाँ पे वो फॉर्चुनर धो रही है, यहाँ पे स्कॉर्पियो, एक बोलेरो, वो तीन गाड़ी है। तो ये कंप्लीट हो चुका है और अब उसके बाद मेरा नंबर है। तो यहाँ पे यही 1 घंटा से ऊपर मुझे लग जाया, बट हाँ धुलवाएंगे तो नंबर लगा दिए। तब तक भूख लग रही है, कुछ खा पी लेते हैं। और ये हमारे चौक का नज़ारा देख लो कितना झकास है। और हमारे सामने एक यूट्यूबर चाय वाला भी खुल चुका है। यूट्यूब का क्रेज देख रहे हो, यूट्यूबर चाय वाला भी आ गया अपने शहर में। तो अभी मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा और मुझे सुबह का है तो कुछ ब्रेकफास्ट भी कर लेना चाहिए, भूख लग रहा है। तो चलिए अर्जुन जाके चाय दुकान में चलते हैं, लिट्टी चना और चाय खाते और पेट फुल मस्त करते हैं। तो चलिए पहले लिट्टी चना खाती के कंप्लीट रहते हैं। अभी आधा 1 घंटा है तो क्या करें, टाइम पास ही कर लेते हैं। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आ चुका है, ये देख सकते हो कितना स्वादिष्ट है। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं फटाफट अब इसको खाता हूँ। तो मैंने लिट्टी चना तो खा लिया और अब चाय पीने की बारी है। और देख सकते हैं चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं अर्जुन भैया। तो अभी चलो इनका चाय टेस्ट करते हैं और फिर हमारी चाय आ गई और अब पीते हैं चाय का तलब। जो चाय लवर है ना, वो ज़रूर कमेंट करना कि चाय का महत्व क्या होता है चाय लवर के ज़िंदगी में। तो अब A1 चाय पियो, मज़े करो। अब दिन भर का कोटा फुल, घर में खाना बनाने जाएंगे, बस चाय और लिट्टी चना हो जाए दिन भर का कोटा फुल। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अपने गाड़ी के पास चलते हैं। क्या 100 रुपया में कार वॉश होता है कि नहीं, वो दिखाते हैं आप लोगों को। ऑल राइट, मैं अभी चाय नाश्ता वास्ता करके आ चुका हूँ और फाइनली मैं आपको ये दिखाता हूँ। फाइनली अपनी कार लग चुकी है वॉश होने के लिए। और मुझे डर है गाइस, क्या ये 100 रुपया में मेरा कार वॉश होता है कि नहीं। इन लोगों को नहीं पता मैं प्रैंक करने वाला हूँ इनके ऊपर। मेरे पास 100 ही रुपया और मैं इन लोगों को 100 रुपया दूंगा। ये 100 रुपया एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, क्या पता फिर कहीं घर से लेकर ये वो, मुझे आइडिया भी नहीं है। बट कोई नहीं, देखते हैं जो होगा अच्छे के लिए होता है। चलो जल्दी से कार वॉश करवाते हैं गाइस और फिर 100 रुपया इनको देते हैं और घर चलते हैं। तो कैसा लगता है वीडियो, कॉमेंट ज़रूर करना। पानी मारना चालू कर दिए भैया ने और अब यहाँ पे मतलब फिर शैम्पू वैम्पू लगाए गाड़ी को धोने का, क्या चमकती है, क्या लगती है। ओ माय गॉड, अमेजिंग। तभी भैया एकदम न्यू बना देंगे गाड़ी को, एकदम झकास लगेगा। चलो देखो थोड़ा सा अभी म्यूजिक व्यूजिक लगाते हैं और क्या करें, उसके बाद देखते फिर 100 रुपीज़ का प्रैंक। यू कैन सी गाइज, मेरा कार धो के कितना चमचमाती हुई गजब की लग रही है, देख सकते एकदम नई हीरोइन जैसे लग रही, प्यारी सी। तो अभी ये अंकल जी मतलब बहुत हम्बल नेचर के, मतलब मैं इनको जो कुछ भी कहता हूँ मान जाते हैं। अभी चलिए इनसे थोड़ी सी बात करेंगे और आपको दिखाते हैं जब कार पूरा पूछ कुछ के चमकेगी तो कैसा लगता है, मैं आपको दिखाऊंगा। और 100 रुपया अभी देना बाकी है हर्षन भैया को। तो चलिए दिखाते हैं अभी।
मैं इंटीरियर के पास आ गया और अंकल जी आ गए। तो एक बात बताइए, 100 में गाड़ी धुल जाएगा 100 रुपया में? 100 में नहीं होगा, 150 में। ओ माय गॉड, मुझे चुनना लग गया। 100 में देखिए करवा दीजिए, हसन भैया को मना के। अच्छा 150 से बात करना होगा, भैया से बात करना होगा ना। अच्छा उनको पटिया लेंगे। और आप हसन भैया का कितना दिन से काम कर रहे हैं? हाँ लगभग हो गया हमको 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से। और हसन भैया दिल के बीजो अच्छा मस्त आदमी है ना। मतलब आप न्यू हो या पुराना हो से कोई मतलब कस्टमर, बट इनके पास आओगे ना तो मतलब दिल के मस्त आदमी है, खुश हो जाओगे। तो जो भी कहो वो मान जाता है, ऐसा दिलदार आदमी बहुत कम देखने को मिलता है। अब इसको चलो जल्दी से पहुँचवाते उछवाते अंकल जी से, और आपको 100 रुपया में इसको कैसे भी कार वॉश करवाएंगे 150 के बदले, दिमाग लगा के बिहारी स्टाइल में, क्या बोलते हो? गाइस मुझे जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मुझे लग रहा था 150 लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, 100 रुपीज में मान गए। मैंने ऑनलाइन पेमेंट उनको किया है, मैं आपको प्रूफ के तौर पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, छोटा सा कट करके। और 100 रुपया मान गए, मुझे लग रहा था 150 लेंगे, पर उन्होंने मैंने बिहारी स्टाइल में उनसे जुगाड़ लगा के पटा ही लिया 100 रुपया में। तो बहुत खुशी मिल रही है। गरीब इस बेरोजगारी में ऐसे ही लोग मदद करते हैं। मोदी जी तो सुन नहीं रहे कि जॉब निकाले, जल्दी निकालिए मोदी जी जॉब, हम लोग जैसे बेरोजगार को जॉब मिले। तो चलिए 100 रुपया में अपना कार वॉश करवा लिए। तो चलिए अभी जल्दी से घर पे चलते, फिर आपसे ढेर सारी बात करेंगे और ब्लॉग को करेंगे यहीं पे। तो गाड़ी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया, पॉलिश व्यू सब मरवा ली है 100 रुपया में, समझ रहे हैं? पॉलिश व्यू सब मरवा लिए हैं, देखते हैं। दिमाग लगाना चाहिए ना बिहारी स्टाइल में। ओह माय गॉड, दिल खुश हो गया। तो चलो गाइस घर चलते। चलो गाड़ी अब चमक रही है, यू कैन सी क्या गजब चमक रही है। और अब हो गया टाइम, घर चलते, फ्रेश व्रेश होते हैं। और फ्रेश व्रेश क्या, पहले जाके आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उसके बाद ब्लॉग कर देंगे समाप्त। चलो घर चलते हैं। सो अभी मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, ये देख सकते हो गाड़ी लगी यहाँ पे, कितना गंदा है, फिर भी लगाना पड़ता है। पार्किंग एरिया थोड़ा हम लोग की जगह कंजेस्टेड है और यहाँ पे दिक्कत होगा ही उन्हों, बट हाँ अभी धो धागे एकदम चमक रही है गाइस, यू कैन सी मस्त चमक रही है। मैंने बोला इस गाड़ी का एक खासियत है कलर का। तो क्या लगता था 100 रुपया में नहीं होगा? अरे होगा, हम जानते थे ना, अरे बिहार वाले हैं ना, कुछ तो आइडिया अपना के करवा ही लेंगे। तो क्या आप लोग के भी शहर में ऐसे 100 रुपया में कार धुलते हैं, वॉश होते हैं? तो कमेंट करना, या इससे कम में भी होते तो ज़रूर कमेंट करना। अगर आसपास में होगा तो मैं जाके जरूर ट्राई करवाऊंगा, पैसा तो बचेगा ना। तो चलो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करना, वीडियो को देख के अच्छा रहा तो ज़रूर कमेंट करना प्यारा सा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगले न्यू एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।